बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय एंग्लर एंड प्रांटल। इसका अगला ही तारफ तो पहले हो चुका हुआ था, लेकिन बहर ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने अमेरिका में काम किया और अपना सिस्टम पेश किया। इनका सिस्टम एहलर एक्लर, इसको तलफ़ एक्लर बनेंगे प्रॉपर के सिस्टम पर बेस करता है। बहरहाल चूँकि इनका सिस्टम फाइलोजेनेटिक है और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा बेहतर था बेंथम होकर के सिस्टम से, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। इसको ज़्यादा टाइम लगा स्प्रेड होने में और बहुत अर्से तक ये बरकरार रहा, अब भी मौजूद है बरकरार है, लेकिन अब जो एडवांस ये जो ज़्यादा बेहतर सिस्टम आ गए हैं मॉडर्न सिस्टम, वो हम आगे एंड को देखेंगे वो क्या है कैसे। अच्छा, अब इसके भी दो हिस्से हैं। अगर तो हम पहले इसका बेसिक तारुफ देखते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी स्केच नज़र आ रहा है। फ्लोरोगैम्स सीड प्लांट्स, सीड प्लांट्स के अंदर आपको मोनोकॉटिलीडनी मोनोकॉटिलीडनी डाइकॉटिलीडनी और जिम्नोस्पर्म, ये तीन ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। और डाइकॉटिलीडनी के आगे जी दो आर्किक्लेमेडी और सिम्पैटल, ये है जी इनकी क्लासिफिकेशन। ये मेरी क्लासिफिकेशन सिर्फ इन्होंने जो भी यहाँ पे दी हुई है, अगर डिटेल्स की आएंगी डिटेल्स में आप देखेंगे कि बहुत कुछ है, लेकिन ये जस्ट इब्तदाई तारफ है। आज हम इसका पहला हिस्सा अटेम्प्ट करेंगे और ये तो सिर्फ तारफ है इसका सिस्टम की हद तक। मेरिट्स और डी मेरिट्स, पहला हिस्सा इसके मेरिट्स पर मुश्तम खूबियाँ, इस सिस्टम की कौन कौन सी खूबियाँ हैं। मेरिट्स या एडवांटेजेस याद रखिएगा, वो एक ही चीज है। पॉइंट्स, पहला पॉइंट, इन्होंने मोनोक्लाइमेटी को ख़त्म किया। मोनोक्लाइमेटी का जिक्र आज का आपको याद होगा, जब हम बेंथम होकर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस मोनोक्लाइमेटी के ऊपर बहुत से इतराजात थे, उन्होंने उसको ऑटोमेटिक टोटली ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मोनोक्लाइमेटी है ये आर्टिफिशियल ग्रोथ है, यानी एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, आर्टिफिशियल है, और जिसमें इनकम्प्लीट पावर, जिसमें सरफेस वेल्ड की जगह पे सिर्फ एक वेल्ड मौजूद है, ये उनके हल के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये था जिनका पॉइंट। इसकी फैमिलीज को उन्होंने डिवाइड करके अदर ग्रुप्स के अंदर जहाँ जहाँ पे वो फॉल कर सकते थे फॉल डाल दिया। सेकेंड पॉइंट, सिम्पैथी, अब ये ग्रुप इन्होंने फॉर्म किया जैसा कि अभी ऊपर नज़र आया है। ये सिम्पैथी काफ़ी हद तक गैमोपैथी बेंथम हुकर सिस्टम के साथ मैच करते हैं। गैमोपैथी में और सिम्पैथी में सिर्फ लफ्ज़ों का फर्क है, एक्चुअली दोनों सिमिलर हैं, दोनों इस लिहाज से ये पेटल्स यूनाइटेड हैं। नंबर थ्री था जी जिम्नोस्पर्म, जैसे कि आप ऊपर स्कीम में देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म को सेपरेट, बिल्कुल अलग सेपरेट रखा इन दोनों क्लासेस से, इनके दरमियान में रखा बल्कि एक अलग से ग्रुप करके रखा। चौथा पॉइंट, ये आपको याद होगा कि बेंथम हुकर सिस्टम के अंदर ओवरी की स्पीरियड और इनफीरियर पोजिशन के ऊपर एतराजा जो किए गए थे, अब यहाँ पे वर्डिंग चेक करनी, फैमिलीज विद इंफीरियर ओवरी आर ट्रीटेड इन द लास्ट, द एडवांसमेंट इज फ्रॉम द हाइपोकाइनी टू कंप्लीट एपिकाइनी। अब इनके मुताबिक एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे आखिर में इन्होंने इंफीरियर ओवरी को रखा, इनके मुताबिक पहले स्पीरियड ओवरीज और एंड के ऊपर जाके इंफीरियर ओवरीज पैदा हुई हैं एवोल्यूशन के, इस लिहाज से हर जगह पर सेम तरतीब रखी इन्होंने सारे डाइकॉट्स के अंदर और मोनोकॉट्स के अंदर। आखिरी हेडिंग, एंग्लर का ये ख्याल था कि जो ऑर्किड्स हैं, ऑर्किड्स के नाम से वाकफ है मशहूर पौधे हैं, इसका नाम पहले भी आ चुका हुआ, ये ज़्यादा डिवेलप्ड हैं ग्रासेस से, इसलिए ग्रासेस को पहले और इनको बाद में प्लेस किया। अब ये पॉइंट हैं जी जो कि आपकी जो बुक है रामे वाली उसके अंदर दिए गए हुए हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि किताबें तो बहुत सी हैं, हर एक ऑथर ने हर बंदे ने अपनी मर्जी से मुख्तलिफ पॉइंट्स कुछ ना कुछ पॉइंट दिए, कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए, और कुछ दामों में बहुत से पॉइंट्स
भी दिए गए हुए हैं। थोड़ा सा हटते हुए यानी थोड़े से ज्यादा पार्ट्स जो कि हमें मिलेंगे अब कार्बन कार्बन के लिहाज से देखेंगे जी कि कार्बन जो है वो क्या कह रहे हैं और कितना डिफरेंस है इसके पार्ट्स में और इसके पार्ट्स में। ये पार्ट्स आपने चेक कर लें। इसके मुताबिक कार्बन के मुताबिक जो पहला पॉइंट है इन्होंने पूरे के पूरे प्लांट के एटम को ज़्यादा डिटेल के साथ रिपीट किया जैसा कि इसकी फुल स्कीम अभी आपने फुल स्कीम नहीं देखी है। जब फुल स्कीम देखेंगे तो फिर वहाँ पर ये आपको नज़र आ सकेगा। ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था और उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स में और उसको फैमिलीज में फॉलिजेनेटिक सिस्टम के मुताबिक यानी जो एवरेशन के यहाँ तरतीब होनी चाहिए उसके मुताबिक अरेंज किया। ये भी याद रखिए कि जो इनका जो कंसेप्ट था ख्याल था एवरेशन ऐसे हुआ उसके ऊपर बेस करते हैं। वाटर सिस्टम में क्या चेंज आई है वो हम एंड पे जाके देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को मोनोकोटोडाइकार्डियन एंजियोस्पर्म से अलग से ट्रीट किया। तीसरा पॉइंट, ये सिस्टम जिसमें एंगलर और उसके साथियों ने बहुत सा काम किया अपने नॉलेज को जो पूरी दुनिया से मुख्य पौधों के वाले से था उन्होंने इकट्ठा किया मर्ज किया। आपको याद होगा मैंने हुकर के बारे में कहा था कि हुकर ने इंडिया में आकर बहुत सा काम किया था, कई साल तक यहाँ रहा और यहाँ से उसने कंप्लीट फ्लोरा जो है यहाँ इलाके का स्टडी किया। उसकी बुक्स अवेलेबल हैं अभी। बहरहाल इस तरह से ये सिस्टम ज़्यादा डेवलप इन्होंने चूँकि उनके अलावा जो काम आड़े हो चुका था वो काम सारे इनके सामने था प्लस इन्होंने मज़ीद और जो था अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और बाकी जगहों से भी मालूम इकट्ठी की और चल तकरीबन पूरी दुनिया के जो थे पौधे वो शामिल किए गए स्कीम के अंदर। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट, ये पॉइंट सेम है मोनोक्लैमडी वाला। इन्होंने मोनोक्लैमडी के ग्रुप को ख़त्म किया और दूसरे ग्रुप का जिक्र पहले से हो चुका हुआ और इसकी वर्डिंग के साथ फर्क मैं वर्डिंग बोलता हूँ। मोनोक्लैमडी हैज़ बीन कम्प्लीटली एबॉलिश वाला इसका ग्रुप ख़त्म कर दी गई क्योंकि किताबों के आर्टिशियल था। इसकी फैमिली को डिवाइड कर दिया दूसरे ग्रुप में डाल दिया खासतौर पर आर्कीक्लैमडी के अंदर। आर्की कदीम पुराने को कहते हैं। इसको उन्होंने ज़्यादा प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट किया जिनमें सिंगल थी उसको प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट करते हुए ये वाला ग्रुप फॉर्म किया बजाय मोनोक्लैमडी। मोनोक्लैमडी जो है वो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से था और ये आर्की क्लैमडी उन्होंने एविशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दिया। अगला पॉइंट ऑर्किड, ये पॉइंट सेम है जो कि हमसे पहले पढ़ चुके हैं और सेम पैटली वाला पॉइंट डेमोपैटली ये भी सेम ये हैं जो है। एक दो पॉइंट्स दो पॉइंट में मामूली सा फर्क है बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पॉइंट है। पहले हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया और ये है जी मेरिट्स, इसके मेरिट्स हैं वो कम्प्लीट हो गए। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे डी मेरिट्स, क्या खामियां हैं एंगलर और प्लांटल के सिस्टम। एक असूल है दुनिया में कि दुनिया में शायद ही कोई चीज़ है जिसमें खामियाँ ना हों। आम लोग इंसान जितना कुछ भी कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई खामियाँ मौजूद रहती हैं। ऐसे ही इनके सिस्टम के अंदर ये खामियाँ मौजूद हैं और ये डीमेरिट्स आपके सामने जी ये है जी पुराने के मुताबिक नंबर वन Amantiferi or catkin bearers are regarded as most primitive. They precede Petaliferous families. Amantiferi are reduced rather than a primitive group. ये वर्डिंग मैंने आपसे बोल दी। अब इसमें से एक लफ्ज जिससे आप वाकिफ हैं कैटकिन आपको याद है, आपको याद है कि शहतूत और इस तरह के कुछ और पौधे में कैटकिन्स मौजूद हैं। इनको प्रिमिटिव कदीम शुमार किया गया और ये जो अदर फैमिली थी उनसे पहले इनको रखा गया
अपियादो का कैटकिन जो है वो स्पाइक होता है और ये यूनिसेक्सुअल प्रोडक्शन ये अब इनका ये ख्याल था कि ऐसे है लेकिन बाद में साबित हो गया कि नहीं ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपके बुक में तो नहीं है यहाँ पे और ना ही आमतौर पर ये चीज़ें आम बुक में डिस्कस की गई होती है। एवोल्यूशन का जो आम कंसेप्ट है वो ये था कि एवोल्यूशन हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ होता, ये कंसेप्ट एवोल्यूशन का मेजॉरिटी जगहों पर उस दौर में जिस दौर में था, ये सिस्टम 100 साल पुराना है कॉम्पेश उस वक्त जब ये सिस्टम पेश किया गया तो उनके मुताबिक जो उनका अंदाज़ा था वो यही था कि ये चीज़ प्रिमिटिव है ये। और याद रखिए कि उस वक्त एवोल्यूशन का अंदाज़ा सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों को देख के लगाया जाता था कि फलां पौधा ऐसा है फलां ऐसा है, अब ये सिंपल है ये कम्प्लेक्स है तो ये पहले होगा ये बाद में। अब इस तरह के बहुत से अंदाजे मौजूद थे प्लांट्स में भी और ऐसे ही एनिमल्स क्लासिफिकेशन में जूलॉजी में भी, लेकिन जदीद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि क्लैडिस्टिक एनालिसिस के ऊपर बेस करते हैं उसमें आके अगरचे वो भी सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं है, याद रखिएगा जो जदीद सिस्टम है वो भी अभी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको स्टैब्लिश होने में, लेकिन बहरहाल उसमें ये चीज़ नोट की गई है एवोल्यूशन के हवाले से, बड़ा अजीब बुरी पॉइंट है ये वाला कि एवोल्यूशन कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि एवोल्यूशन हमेशा एडवांसमेंट की तरफ जा रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि एडवांस होने के बाद एक चीज़ ज़्यादा प्रिमिटिव की तरफ चली जाओ। एनिमल में इसकी मिसालें मौजूद हैं, आई एम श्योर कि आप लोग जूलॉजी में फिशेज वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि जूलॉजी अब आपको कोई और पढ़ा रहे हैं जी, किसी को जूलॉजी के रेफरेंस से ये वाला एवोल्यूशन का पॉइंट क्योंकि डिस्कस हुआ है जूलॉजी में, याद है किसी को? आई एम श्योर कि आप लोग फिशेज का चैप्टर पढ़ चुके हैं क्योंकि सिलेबस तो खत्म होने के लिए इस वक्त, ऐसा ही है कि नहीं? आपने जूलॉजी में फिशेज वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा कि नहीं पढ़ लिया होगा? कोई आंसर? पूरी क्लास हो रही है जी, हिरा ने कहा जो पढ़ लिया है तो फिर बताइए कि वहाँ एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू जी बिल्कुल ठीक है पढ़ लिया, तो जूलॉजी में फिशेज के रेफरेंस से कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है ऐसे ही है जिसका ताल्लुक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आम कंसेप्ट था उससे हट के कोई एवोल्यूशन की एग्जांपल जो फिश की आपने देखी है? इसका मतलब आप लोगों ने सिर्फ ऊपर से पढ़ा है जी, अंदर से नहीं पढ़ा उसको? चलिए भाई मैम आपकी मर्जी है जी, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट में आ जाइए, बेसी साइंटिस्ट का नाम है बेसी डिक्टा, उसके प्रिंसिपल थे बहुत मशहूर और मारूफ हैं, ये टॉपिक आपकी बुक्स में गालिबन नहीं दिया गया हुआ लेकिन बहुत सी किताबों में बेसिस डिक्टा के नाम से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हुई इस साइंटिस्ट ने। पर बेसी और बहुत से दूसरे लोगों के मुताबिक जो पोलीपैटली है वो अर्लियर कंडीशन है यानी पहले पैदा हुई है, और जो एपैटलस कंडीशन है वो इसकी मॉडिफिकेशन, ये बेसी का ख्याल है, जबकि एंगलर और पॉन्टल ने इसका ऑपोजिट देखा। बेसी और अदर्स, बेसी के अलावा और भी साइंटिस्ट का ये ख्याल। अगला पॉइंट वर्डिंग है, देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ डाइक्लेमेडस फ्लावर्स पेरियंथ इन टू सीरीज वर्डिंग फ्रॉम मोनोक्लेमेडस वन पेरियंथ इन सिंगल सीरीज इन द सिस्टम इट इज ऑब्जेक्शन। इन अल्फाज जो हैं थोड़े से इम्प्रॉपर हैं, इसलिए वर्डिंग के मुताबिक पेरियंथ इन टू सीरीज और पेरियंथ इन वन सीरीज वाले लिख इस्तेमाल किया, या देखिए जो हम सीरीज का लफ्ज लिखा है ये वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं एक दायरे के अंदर या दो दायरे के अंदर, पेरियंथ एक वर्ल्ड में है और या वो दो वर्ल्ड के अंदर है, ये उस कंडीशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो इतराज़ है एंगलर और प्रांटल के सिस्टम के ऊपर के जो डाइक्लेमेडस फ्लावर जिनमें पेरियंथ दो वर्ल्ड्स के अंदर होती है, ये डिराइव हुए हैं मोनोक्लेमेडस सिंगल वर्ल्ड से, यानी पहले सिंगल वर्ल्ड और सिंगल वर्ल्ड और फिर डबल वर्ल्ड्स। अब एंगलर प्लांटर ने ऐसे अरेंज किया लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ऐसा नहीं है, जैसे पहले बात हो चुकी है कि ये जो टू की बजाय वन वर्ल्ड का होना है ये मॉडिफिकेशन है, डेरिवेशन है, एवोल्यूशन वन से टू की तरफ नहीं होगा बल्कि टू से वन की तरफ होगा। अगला पॉइंट,
derivation of parietal recession from axial pressure is also not true. Anglo-Frontal को बताओ parietal जब axial से develop हुई है जबकि ये भी काफी authorized. Precipitation हम already पढ़ चुके हैं हमें. पांचवा पॉइंट free central precipitation derived from parietal precipitation is also illusionary. ये precipitation जो हम पढ़ चुके हैं इन लफ्जों की बात पहले से हो चुकी है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. डेरिवेशन छोटा पॉइंट डेरिवेशन ऑफ बाइसेक्स फ्लावर फॉर यूनिसेक्स फ्लावर इज नॉट करेक्ट. अब इनकम ताबक पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बने एविशन में और बाद में बाइसेक्सुअल, लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने ताजा किए और ये चीज सामने आई कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बाइसेक्सुअल पहले और यूनिसेक्सुअल बाद में. सेवेंथ पॉइंट डेरिवेशन ऑफ एंटोमोफिली फ्रॉम एनिमल. ये लफ्ज आपने पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए आप बताएंगे. याद हम भूल चुके हैं मैंने टॉपिक कहा था कि इसको खुद तैयार कर लीजिए, वो सिलेबस में नहीं था एज सच. एंटोमोफिली और एनिमोफिली का लफ्ज जब हम पढ़ रहे थे शेर में तो मैंने ये कहा था ये दो तीन चीज़ें दो तीन टॉपिक्स आपने खुद तैयार करने हैं. किए थे कि नहीं किए थे, किसी ने लफ्ज इन लफ्जों में गौर किया है कि नहीं किया हुआ, तो बता सकते हैं आप में से ये क्या है एंटोमोफिली क्या है और एनिमोफिली क्या है. ये पूरी क्लास से क्वेश्चन हो रहे हैं. ये पूरी क्लास से कोई स्टूडेंट जॉब देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है किसी ने इसको ना देखा है ना पढ़ा है ना गौर किया है और ना ही गौर करने की जरूरत है. एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट पोलिनेशन, एंटोमोलॉजी का लफ्ज आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, और एनिमोफिली एनिमल विंड को कहते हैं विंड पोलिनेशन. इतराज यही है कि इनके मुताबिक एनिमोफिली पहले है और एंटोमोफिली बाद में, लेकिन इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है. आखिरी इतराज इस सिस्टम में मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव कहा गया डाइकॉट से. मौजूदा नॉलेज यानी कि जो जदीद नॉलेज जो बाद में है वो ये इंडिकेट करता है कि नहीं ऐसा नहीं. इन्होंने डाइकॉट को पहले रखा मोनोकॉट के बाद में रखा, यानी डाइकॉट को ज़्यादा प्रिमिटिव और मोनो इन्होंने मोनोकॉट को प्रिमिटिव और डाइकॉट को एडवांस कंसिडर किया था, लेकिन मौजूदा नॉलेज इंडिकेट कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मोनोकॉट का एवोल्यूशन बाद में हुआ. ये हैं जी एतराजात और ये पॉइंट्स थे, एट पॉइंट्स हैं एतराजात के जो कि हमने डिस्कस किए हैं, और ये एतराजात हमने खास तौर पर देखे हैं ड्रामे के मुताबिक. अब हमने यही एतराजात चेक करना है कार्बन के मुताबिक. कार्बन छः पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, लेकिन पहला इनके मुताबिक जो पहला पॉइंट है दिस सिस्टम ऑब्स्क्योर द फाइलोजनी ऑफ एनिस्वर्म विच अकॉर्ड टू एंगलर एंड फ्रंटल had a polyphyletic origin from an unknown and habitable taxon of extinct gymnosperms. ये पॉइंट इसने दिया हुआ है और ये पॉइंट इसमें नहीं था, पहले भी था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब स्क्योर कहते हैं गैर वाजे, इनके मुताबिक एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन गैर वाजे है, जो कि इनके मुताबिक ये पोलीफाइलेटिक हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों से इनका एवोल्यूशन हुआ हुआ है, और कोई फर्जी या गैर मारूफ एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म्स जिनसे इनका एवोल्यूशन हुआ है, ये इनकी वर्डिंग थी एनग्लोप्लांटर की, और ये स्टेटमेंट मौजूद नहीं है इस बुक के अंदर. सेकंड पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ डाइक्लेमेटस फ्लावर्स फ्रॉम मोनोकॉट्स फ्लावर्स इज ये सेम है जी, ये हम पढ़ चुके हैं. पॉइंट नंबर थ्री मोनोकॉट प्रिमिटिव, ये पॉइंट सेम है. सेकेंड थर्ड पॉइंट कार्बन के सेम है रामे के साथ. चौथा भी सेम है derivation of bisexual flowers from monocyte flower, और इसी में ही presentation, इसी ने इसी point point के अंदर presentation practitioner का जिक्र कर दिया है. ये एक point बल्कि दो point इकट्ठे इसने किए हुए हैं, ये सेम हम पढ़ चुके हैं. पांचवा point जी ये different है. primitive order like halobi has been placed between two more advanced orders, the pen Danelis and Gloomiflora, which is not satisfied.
ग्रुप का नाम है जी हिलोबी। ये प्रिमिटिव है, ज्यादा कदीम है, ज्यादा पुराना है में से। इसको दो एडवांस ऑर्डर्स जिनके नाम दिए गए हैं पेंडेलिज और ग्लोमी फ्लोरी के दरम्यान में रखा गया, और जाहिर है कि ये ऑब्जेक्शनेबल था, ठीक नहीं है। आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट डिफरेंट है, पांचवा पॉइंट डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट और पांचवा पॉइंट डिफरेंट है, ये होट कीजिएगा कारवान से। और ये जिनके पास वो बुक है वो उसमें ऐड करें, जिनके पास योरी बुक है तो जो पॉइंट डिफरेंट है वहाँ से वो उसमें ऐड करने हैं आप लोग। छठा पॉइंट, पोजिशन ऑफ एमेंटी फेरी जी, ये मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन कुछ हद तक वहाँ पे मौजूद था, वर्डिंग का फर्क मौजूद है। ये कुछ कुछ दोनों में सिमिलर है, कुछ कुछ पॉइंट में डिफरेंस मौजूद है, पहले उसको देख लीजिए। पोजिशन ऑफ एमेंटी फेरी एंड सेंट्रोस्पर्मी एट द बिगिनिंग ऑफ डाइगॉट्स बिफोर वेनेलिस इज नॉट सक्सेसफुल। इन्होंने एमेंटी फेरी और सेंट्रोस्पर्मी को डाइगॉट्स में वेनेलिस से पहले रखा, यानी उनको उन्होंने ज्यादा प्रिमिटिव कंसीडर किया है प्रेनरीज के मुकाबले में, जो कि बजाहर ठीक नहीं। बहरहाल ये है जी वो ऑब्जेक्शंस जो कि मैंने सिर्फ आपके सामने दो बुक्स के रेफरेंस से ऑब्जेक्शन डिस्कस किए हैं। अदर बुक्स भी हैं, इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन अगर हम उनके ऑब्जेक्शन में चले जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा और हम इतनी डीप डिटेल में आगे नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से तो जितना हमने कर लिया है इट इज एनफ, इट इज मोर देन एनफ। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी। दोबारा क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी सर, क्वेश्चन रिपीट करना है आपने ताकि मैं इसका जवाब भी रिकॉर्ड में आ जाए। मैं सर वो आपने जिन बताया था ना कि हमने 40 प्लांट्स कलेक्ट करने हैं, जी तो उस कितने मार्क्स होंगे हमारे पेपर में? इसमें याद रखिए कि दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्जामिनर बाहर है कि यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है, बंदा बाहर से आता है वहाँ। और दूसरा ये होता है कि एक वक्त में एक ज़्यादा क्लासेस चल रही होती हैं। अब मुख्तलिफ क्लासेस को, चूँकि इस वक्त बॉटनी की सेकंड फैसिलिटी की 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, दो इवनिंग क्लास दो मॉर्निंग वाली हैं, और मुख्तलिफ टीचर्स को पढ़ा रहे हैं। हर बंदे ने सिलेबस को मुख्तलिफ स्टाइल से पढ़ाया होता है। जब पेपर बनता है अब वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मिक्स होते हैं। जब आप पेपर देंगे तो उसमें मॉर्निंग इवनिंग के स्टूडेंट्स और जोलॉजी और केमिस्ट्री के स्टूडेंट सारे के सारे मिक्स बैठे होंगे। तो जब पेपर बनता है तो उसमें डिस्कस करना पड़ता है जी कि किसने एक पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ, कितने नंबर रखते हैं। तो अब यूज लीजिए कि दो तीन लोग मिल के फिर चार्ट करते हैं कि नंबर कितने होंगे। और याद रखिए कि पेपर चूँकि आपका पर्टिकुलर 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के पेपर में जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, वो 10 से कम नहीं होते। हर्बेरियम शीट्स जो हमने तैयार कर ली हैं वो कम अज़ कम 10 नंबर की हो गई, एटलीस्ट 10 नंबर की, यानी प्रैक्टिकल का 10%। मैंने एटलीस्ट का जिक्र किया है, वो 10 से 15 के दरमियान भी आ सकती है या 20 तक भी आ सकती है। वो उसको अगर डिस्कस किया जाता है कि कितना नंबर कटता है, यानी वो फिक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स नहीं है। लेकिन इतलात यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, चूँकि ये नोटिफिकेशन तो आ चुका हुआ है उनका, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मौजूद है कि बॉटनी का सिलेबस चेंज किया जा रहा है और इसका पेपर का पैटर्न चेंज किया जा रहा है, इसकी मार्किंग स्कीम भी चेंज की जा रही है, और ये भी कि अब पेपर बॉटनी का पेपर यूनिवर्सिटी खुद बना के भेजेगी, ये डिसाइड हो चुका हुआ है। ये क्योंकि इसकी वर्डिंग मौजूद है वो जो नोटिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी से आती है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी है, ना तो उन्होंने सिलेबस की चेंज की डिटेल दी है। जो सिर्फ इतना यही थी कि ये चेंज होगा, चूँकि जो नोटिफिकेशन आया था लास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें वर्डिंग मौजूद थी कि ये सिलेबस चेंज किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक डिटेल उसके सामने नहीं आई। जी सर ठीक। ये
इसमें सिर्फ एक वो जो चीज़ों में इजाज़त पड़े हैं, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये सिस्टम पेश किया गया था तो ज़रा कि ये बैंथम बुकर सिस्टम से हट गया था, बाकी बरतानिया के छोड़ के पूरा यूरोप और अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को मान लिया था, अडॉप्ट कर लिया था और इसको दुरुस्त मान लिया था। ब्रिटिश बहुत देर तक इसके खिलाफ रहे और लेकिन आखिरकार जाहिर पहले बात हो चुकी है टाइम के साथ हो चुकी है, ब्रिटिश हैं वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, दमसंद होते हैं और वो अपनी रवायतों से हट के तब मानी जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक स्टेज आई है कि अब इससे भी अगला स्टेप आ गया होगा, क्योंकि अब एंग्लो फ्रंट सिस्टम भी पुराना हो चुका होगा, इससे भी आगे तख्ताजन सिस्टम तक जब हम पहुँचेंगे देखने के लिए अब फर्दर इसमें क्या चेंजेस आए।